हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग करवाऊंगी। इस बुक में आपके पास में गाइस 3 ब्लॉक्स हैं, जिसका फर्स्ट ब्लॉक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इसमें चारों यूनिट्स मैंने करवा दी हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, BEGS 185 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जहाँ पर आपको ये सारी यूनिट्स के लिंक मिल जाएंगे। एंड आज हम करेंगे इसका सेकेंड ब्लॉक। सेकेंड ब्लॉक में देखिए, फर्स्ट यूनिट करवा दी है, सेकेंड यूनिट काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया मुझे कंप्लीट करवाने में। ऑलमोस्ट चेक योर प्रोग्रेस और इंट्रोडक्शन में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज इस वीडियो में हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आज गाइज हमारा टॉपिक है मॉडिफाइड स्पीच फॉर लर्नर्स। देखिए, इससे पहले मैंने चेक योर प्रोग्रेस 5 तक कंप्लीट करवा दिया है, लिंक आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी देने का ट्राई किया है, बट आप प्लीज़ वहाँ पे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एक बार इसको चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आपको वहाँ पर मिल जाएगा और 2 भी। आज हम इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। इसमें हेडिंग है मॉडिफाइंग स्पीच फॉर लर्नर्स। अब जो स्पीच होती है, जो भी चीज़ आप बोलते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ना फैक्टर्स वर्क करते हैं, स्पेशली जब कि आपने कोई लैंग्वेज सीखी ही सीखी हो। देखिए होता क्या है, जैसे कि एक इंग्लिश है, एक लैंग्वेज है ये। अब ये जब लैंग्वेज आप स्टार्टिंग में सीखते हैं तो आप बहुत बेसिक वर्ड्स को यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है, आप उसमें काफ़ी हद तक आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, काफ़ी टाइम हो जाता है, तो आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी हो जाती है कि आप काफ़ी इफेक्टिव वर्ड्स को यूज़ करने लग जाते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, या ये स्टेटमेंट ये कहता है कि जो स्पीच होती है उसको मॉडिफाई करना लर्नर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है और क्या होता है। सो यहाँ पे आपको 3 मेजर पॉइंट्स दे रखे हैं, जो कि आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट दे रखा है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मॉडिफाई आवर स्पीच इन द क्लासरूम बिकॉज देर इज़ अ लिंक बिटवीन द कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोग्रेस इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे अब देखिए, क्लासरूम में जो स्पीच होती है उसको मॉडिफाई करना इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे जैसे आपकी क्लासेस सीनियर होती जाती हैं, आपका जो कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैराग्राफ्स आते हैं या टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उनमें वोकैबुलरी काफ़ी हद तक चेंज होती जाती है। जब आप जूनियर क्लासेस में करते हैं तो उस टाइम पर आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन चेक होता है बहुत ईजी होता है। स्टार्टिंग में आपने पैराग्राफ पढ़ा, सिंगल गो में समझ आता है, और उसके बाद में आप आंसर्स को ईजिली पिक कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्रिहेंशन का लेवल बढ़ता जाता है, आपका अकेडमिक लेवल बढ़ता जाता है, स्कूल से जब कॉलेज तक आते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी दोनों ही चीज़ें काफ़ी टफ हो जाती हैं। सो अगर आपकी स्पीच मॉडिफाई होगी, उसमें टाइम के साथ में चेंजेस आएंगे और प्रैक्टिस में आप रहेंगे, तो इस चीज़ की दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ टीचर लैंग्वेज ऑन लर्नर्स लैंग्वेज। और जैसे कि जो स्पीच है उसको मॉडिफाई करने में आपकी खुद की प्रैक्टिस के साथ साथ जो आपके टीचर्स होते हैं उनका बोलना भी बहुत मैटर करता है, बिकॉज जैसे टीचर्स बोलते हैं, वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप भी वही चीज़ें सीखने लग जाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द सेकेंड स्कूल लैंग्वेज टीचर इज़ अ मॉडल टारगेट लैंग्वेज ऑफ देयर लर्नर्स। इन मैनी केसेज दिस मे बी द ओनली एक्सपोजर टू द लैंग्वेज दैट लर्नर्स रिसीव। अब बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे उनके पास में कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं होता किसी चीज़ को पढ़ने या समझने के लिए, जो भी होते हैं उनके टीचर्स ही होते हैं जिनसे वो चीज़ों को समझते हैं। सो आप यहाँ पे इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं कि जो टीचर्स का वे ऑफ टॉकिंग है, जो लर्नर है, जिस तरीके से वो रिसीव कर रहे हैं मैसेज को, उसी चीज़ को वो आगे भी कंटिन्यू करते हैं। थर्ड जो पॉइंट आपको दे रखा है, इसमें क्या है, लर्नर्स ऑफन फेस डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग देयर टीचर स्पीच विदाउट सिंप्लीफिकेशंस और रिडक्शन इन स्पीड ऑफ डिलीवरी। इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट स्टूडेंट्स वुड अंडरस्टैंड व्हाट वी से इन द क्लासरूम। अब नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा भी होता है कि जो टीचर आपके बोलते हैं वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो बैकग्राउंड है, इंग्लिश की ही हम बात करेंगे क्योंकि हिंदी तो से हम लोग ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, और जो हमारे स्कूल्स होते हैं वहाँ पर मोस्टली हिंदी और इंग्लिश को यूज़ किया जाता है। दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे क्या है, जैसे मानिए अपना हिंदी में आपका काफ़ी अच्छा कमांड रहा है, आप काफ़ी अच्छे तरीके से हिंदी पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन वहीं आपकी इंग्लिश जो है वो काफ़ी हद तक वीक है। आपको पढ़ना तो आता है लेकिन आप चीज़ों को सुन के समझ नहीं सकते, और अगर ज़्यादा फ्लुएंसी में टीचर बोल जाए तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। सो ऐसा कई बार होता है, जो इंग्लिश की क्लास टीचर्स होती हैं आपके स्कूल में, वो स्पेशली जब आप हायर क्लासेस में होते हैं 11th 12th में, तो उस टाइम पर जो इंग्लिश की टीचर्स होती हैं वो आपको हमेशा इंग्लिश में ही वर्ड्स को प्रोनाउंस करती हैं, वो हिंदी यूज़ नहीं करते, तो वो इतना फ्लुएंसी होता है और वोकैबुलरी भी उनकी इतनी स्ट्रांग होती है, तो नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स को उनकी बातें समझ में नहीं आती है। सो ये यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे थे। इसके बाद में जो हेडिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स, क्योंकि आपका क्वेश्चन दे रखा है इसके ऊपर बेस्ड।
Research studies suggest that language teachers typically modified four aspects of their speech with R as follows. अब इसमें बता रखा है कि चार aspects आपको यहाँ पे दे रखे हैं कि जो language होती है उसको किस तरीके से modify किया जा सकता है या उसको कैसे अच्छा improve किया जा सकता है और या फिर जो language बोली जा रही है उसको कितने अच्छे वे में एक learner को समझ में आए, receiver को समझ में आए, उसके लिए क्या क्या points, क्या क्या aspects आप दे सकते हैं. So सबसे पहला आता है vocabulary. जो vocabulary होती है जो teachers use कर रहे हैं वो काफ़ी simplified और simple होनी चाहिए. ऐसा नहीं है बहुत ही idiomatic phrases हो, बहुत ही complicated से phrases हो जो students को समझ में ही ना आए. तो उनको क्या होगा, अगर वो समझ नहीं पाएंगे तो वो उस चीज़ से भागने लगेंगे. इसलिए जो vocabulary है उसको बहुत simplified way में होना चाहिए. grammar भी काफ़ी simple होनी चाहिए. shorter और simpler जो sentences होते हैं teachers को उनका use करना चाहिए और mostly जो चीज़ें हैं उनका present tense में use होना चाहिए क्योंकि बाकी के जो tenses होते हैं उनमें थोड़ी applications based ज़्यादा हो जाती हैं जो कहीं ना कहीं students को complicated लगता है. guys I really very sorry, ये बीच में जो इतना शोर बीच बीच में हो जाता है ना, क्या मतलब मैं बताऊं आपको. थोड़ा बहुत मैं अवॉइड करने का ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा बहुत क्या, इवन मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं शोर अवॉइड करूँ लेकिन फिर भी ये आ जाता है इसमें ना. लेकिन आप मेरी वॉइस पे फोकस करिए, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए. नाउ देखिए वोकैबुलरी, उसके बाद में ग्रामर, इनको पॉइंट्स को आप हेडिंग अंडरलाइन कर सकते हैं. वोकैबुलरी हो गया, ग्रामर हो गया, इसके बाद में आता है प्रोनंसिएशन. और प्रोनंसिएशन भी बहुत मैटर करता है, जैसे वर्ड्स को काफ़ी क्लियर तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा तो वही चीज़ें आप सीख पाएंगे. और नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, आप किसी से बोलते हुए सुनते हैं तभी आपको पता चलता है कि इसकी जो क्लियर स्पीच होती है ये इस तरीके से होती है. लास्ट पॉइंट इसमें कहता है टीचर्स मेक इंक्रीज यूज ऑफ जेस्टर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस. देखिए इस वर्ड के लिए ना मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था जेस्टर का, इसको गेस्चर बोल रहे थे वो. सी मैंने जितना चेक किया है और जितना मैंने पढ़ा है, मैंने इसको इवन उनके बोलने पे क्रॉस चेक भी किया था, तो मेरे अकॉर्डिंग ये जेस्चर होना चाहिए. बट अगर स्टिल लगता है आपको गेस्चर है तो आप वो प्रोनाउंस कर सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि मुझसे गलती हुई है सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैंने इसको गलत प्रोनाउंस किया था. बाकी आप एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा. नाउ जो टीचर्स होती हैं उनको जो भी फेशियल एक्सप्रेशन होता है या हाथों की जो पोजिशन होती है, हाथों का मूवमेंट होता है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि जब आप कोई चीज़ सामने से देखते हैं ना, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, तो स्पीच के साथ साथ आपका वे ऑफ टॉकिंग और जिस तरीके से आपके हाथ की मूवमेंट हो रही है, जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं. यहाँ पे आपको 5 मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजीज दे रखी हैं, जैसे कि जो भी आप बोलते हैं स्पीच उसको मॉडिफाई करने की 5 स्ट्रेटजीज आपको दे रखी हैं. जैसे फर्स्ट दे रखा है सेल्फ रेपिटेशन, सेकेंड वन इज लिंग्विस्टिक मॉडलिंग, थर्ड वन इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, नंबर फोर्थ इज एक्सपेंडिंग एन एट्रेंस, नंबर 5 इज यूजिंग एक्सटेंसिव एलिटेशंस वेयर क्वेश्चंस आर ग्रेडेड एंड एडजस्टेड. तो ये 5 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजीज में. इसके बाद में गाइज नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, आइडेंटिफाई अ नंबर ऑफ वेज इन विच टीचर्स मॉडिफाई देयर इंटरेक्शन. आपको यहाँ पे ना कुछ वेज दे रखे हैं जिससे जो टीचर्स हैं ना वो अपने इंटरेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट दे रखा है कन्फर्मेशन चेक, वेयर बाई टीचर्स मेक श्योर दे अंडरस्टैंड बाय द लर्नर. कन्फर्मेशन चेक का मतलब क्या होता है, ये आपने क्लास में कई बार सुना होगा. जैसे टीचर ने आपको कोई बात समझा दी क्लास में, बच्चे, मैंने आपको पहले वीडियोज़ में भी बताया था कि जो क्लास स्टूडेंट्स होते हैं ना, स्पेशली 11-12 तक जो बच्चे होते हैं ना, इतने हाई लेवल पे कलाकार होते हैं वो, उनके फेस एक्सप्रेशन से आप जज नहीं कर सकते कि उन्हें कोई चीज़ समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है. और कई तो बहुत ऑनेस्ट होते हैं लेकिन मोस्टली जो बच्चे होते हैं ना ऐसे ही चालू चंट होते हैं, वो चतुर चंट चालाक टाइप्स, तो उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना फेस से नहीं समझ में आता. तो टीचर्स को एक बार कंफर्मेशन चेक भी करना चाहिए कि हाँ जो टीचर्स ने बात बोली है, जो सेंटेंस या टॉपिक कंसेप्ट वो समझा रहे हैं, क्या वो स्टूडेंट्स को समझ में आया है या नहीं आया. सेकंड आता है कॉम्प्रीहेंशन चेक. कॉम्प्रीहेंशन चेक का मतलब होता है कि जो टीचर ने सपोज एक पैराग्राफ समझाया या एक टॉपिक 20 मिनट्स का कंसेप्ट उन्होंने समझाया, उसके बाद में उन्हें क्रॉस चेक करना चाहिए कि जो उन्होंने पैराग्राफ या कंसेप्ट 20 मिनट्स का समझाया उसमें से वो क्वेश्चंस को पुट कर सकती हैं जिससे उन्हें पता चलेगा कि स्टूडेंट्स ने उस पैराग्राफ को कितना परसेंट कैच किया है, कितना परसेंट उनको वो समझ में आया है. थर्ड वन इज रिपीटेशन. रिपीटेशन का मतलब है वेयर बाय द टीचर्स रिपीट हिज और हर एड्रेंस और आस्क द स्टूडेंट्स टू रिपीट हिज, मींस कि उन्होंने कोई चीज़ समझाई, उस पॉइंट में कोई इंपॉर्टेंट डेट है, कोई हिस्ट्री रिलेटेड पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है या कुछ लॉ है, तो उसको टीचर ने बार बार रिपीट कर दिया या फिर एक बार उन्होंने समझाया उसके बाद में उसका दोबारा से रिपीटेशन किसी स्टूडेंट से ले लिया, तो ये पॉइंट्स आते हैं आपके रिपीटेशन में. नेक्स्ट आता है क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट. क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट का मतलब होता है आस्किंग स्टूडेंट्स फॉर क्लैरिफिकेशन.
नेक्स्ट में आता है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का मतलब होता है रिफ्रेसिंग अ लर्नर्स अटेंस। जैसे कई बार होता है कि आपने कोई चीज़ जो आपने टीचर से सुनी उसका टीचर का मीनिंग अलग होता है और आप उस चीज़ को अलग तरीके में कैप्चर करते हैं, तो उस चीज़ को आपको रिफ्रेस करना चाहिए कि जो आपने बोला है या जो स्टूडेंट ने समझा है क्या वो दोनों चीज़ें सिमिलर थी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन का मतलब होता है फिनिशिंग अ लर्नर कॉन्ट्रीब्यूशन। जो आप एक टीचर एज अ टीचर जब आप किसी चीज़ को समझाते हैं तो एज अ रिसीवर भी वो चीज़ कितने अच्छे तरीके से रिसीव, इस चीज़ का भी ध्यान आपको देना पड़ता है। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट आता है बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग का मतलब होता है रिटर्निंग टू एन अर्लियर पार्ट ऑफ अ डायलॉग। ये एक छोटे बच्चे की आवाज़ है, मुझे वीडियो पोस्ट करनी पड़ेगी, वेट अ मिनट। सो सॉरी, आप सबको इतना शोर बर्दाश्त करना पड़ता है, आई रियली वेरी सॉरी। हाँ, नाउ टॉपिक है हमारा बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग का मतलब होता है जैसे कि मानिए कोई आपके कंसेप्ट है 20 मिनट्स 25 मिनट्स, आपके टीचर ने आपको कोई चीज़ समझाई, तो उसमें क्या होता है कि उन्हें एक एज अ बैकअप अगर वो दे दें रिविजन टाइप में, तो उससे ये होता है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी उतने टाइम पीरियड में तो वो उसका एक रिविजन हो गया, और अगर बीच में कहीं आपका माइंड यहाँ वहाँ हो गया था, डिस्ट्रैक्ट हो गए थे या किसी वजह से कोई पॉइंट नहीं समझ में आया था, तो वो उस पॉइंट को दोबारा रिपीट करने से आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो ये कुछ पार्ट्स है कि किस तरीके से जो टीचर्स हैं वो इन पॉइंट्स का यूज़ करके अपने इंटरेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है स्कैफोल्डिंग। इसका मतलब होता है रेफर्स टू अ मेथड वेयर टीचर्स ऑफर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स। इसमें होता क्या है कि कोई भी टीचर है, वो टीचर जो होते हैं वो आपकी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, आपके लिए एक तरीके का हेल्पर होते हैं वो। आपने कोई नई चीज़ सीखी है, कोई स्किल को आप डेवलप करना चाहते हैं, कोई कंसेप्ट आप समझना चाहते हैं, कुछ नई टेक्निक आप सीखना चाहते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली आपको किसी टीचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो स्कैफोल्डिंग है इसमें यही चीज़ होती है। सो स्कैफोल्डिंग मतलब कि रेफर्स टू अ मेथड वेयर टीचर्स ऑफर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सपोर्ट टू स्टूडेंट्स एज दे लर्न एंड डेवलप अ न्यू कंसेप्ट और अ स्किल। इट मीन्स कि ऐसा वाला टाइम पीरियड या वो टाइम जब आपके टीचर्स आपकी हेल्प करते हैं, या वो प्रोसेस जिससे आपके टीचर्स आपकी हेल्प करते हैं आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, कोई नई टेक्निक को सीखने के लिए, तो उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इज एन इंटरैक्शनल फीचर्स वेयर इज लैंग्वेज इन फेड अप बाय द टीचर्स ड्यूरिंग एन एक्सचेंज टू हेल्प लर्नर्स एक्सप्रेस देमसेल्स मोर क्लियरली। इट मीन्स कि आप कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ करके खुद को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, वर्ड्स कौन से यूज़ करने हैं, किस टाइप की वोकैबुलरी आपको यूज़ करनी है, जो आपके बेसिक्स होते हैं लैंग्वेज को सिखाने के लिए, तो उसमें टीचर काफ़ी मेजर और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द टर्म स्कैफोल्डिंग डिस्क्राइब द वेज इन विच टीचर्स प्रोवाइड लर्नर्स विद लिंग्विस्टिक क्यूज टू हेल्प सेल्फ एक्सप्रेशन। इट मीन्स कि जो आपके टीचर्स होते हैं वो किस तरीके से आपको जो लैंग्वेज को यूज़ करने के कुछ क्यूज देते हैं खुद को सेल्फली एक्सप्रेस करने के लिए, उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। प्रोवाइड्स लर्नर विद कॉग्निटिव सपोर्ट। कॉग्निटिव सपोर्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप सोच पा रहे हैं लॉजिकल रीजन के साथ में, किसी चीज़ को कर पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में आती हैं। Through dialogue as they engage in tasks that may lie outside their capabilities. While providing scaffold to our learners, we may engage in the following. So, यहाँ पे आपको 3 major parts दे रखे हैं, जैसे कि first होता है reformulation, where teachers contribute, where the learner's contribution is revoked using language which is more appropriate. Reformulations और पहले भी मैंने आपको यहाँ पे एक point समझाया था remarks से लेके back tracking, देखिए इसमें भी और reformulation दोनों का same almost मीनिंग होता है। जैसे कि आपने कोई चीज टीचर से समझी और उसके बाद में आपने उसको रिपीट किया, तो ये चीज़ें आपके पास में रिफॉर्मुलेशन में आती है। सेकंड वन इज़ मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब हो गया वेर आर लर्नर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज सिंपली रीस्टार्टेड विद अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन। जब आपको टीचर्स या आपके जो रिसीवर्स जिनसे आप सीख रहे हैं, स्पेशली टीचर्स ही होंगे ये चीज़, तो उनसे जब आप सीखते हैं तो वो आपको वर्ड्स को यूज़ करना बताते हैं कि कौन से वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, कब आपकी वॉइस बहुत लाउड होनी चाहिए, कब आपको पोलाइट वे में बोलना है, तो ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे सपोज़ मानिए आपको ये नहीं पता
या कि जो प्लीज़ वर्ड है या शुड वर्ड है, ऐसे वर्ड्स बहुत पोलाइट सेंस में यूज़ करे जाते हैं। अगर आपको इनका मतलब नहीं पता तो ऑब्वियसली आप उसे एक नॉर्मल टोन में ही पढ़ेंगे। जब आपको इनका यूज़ बताया जाता है, इनकी इंपॉर्टेंस बताई जाती है कि किस तरीके से आप इनको यूज़ करके अपनी जो वे ऑफ टॉकिंग है या जो आपका कम्युनिकेशन है उसको कितना इफेक्टिव बना सकते हैं, तभी आपको समझ में आता है कि जो वर्ड्स हैं उनको कैसे और कब और कहाँ यूज़ करना है और कहाँ पे किस वर्ड पे कितना जोर देना है, किस वर्ड की किस सिलेबल पे बहुत जोर देना है। तो ये सब चीज़ें आपकी मॉडलिंग में आती हैं। थर्ड वन इज़ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब हो गया वेयर एन एट्रेंस इज एक्सटेंडेड मेड मोर कॉम्प्रीहेंसिव और कंप्रेसिबल टू द अदर स्टूडेंट्स। मीन्स कि जो चीज़ आप बोल रहे हैं उसको काफ़ी एक्सटेंडेड वे में, इट मीन्स कि कोई चीज़ बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ में आपने बोली है, सो वो चीज़ आती है एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन का मतलब हो गया किसी चीज़ को एक्सटेंड करना, बढ़ा देना। सो ये कुछ पॉइंट्स से जो आपकी हेल्प करते हैं। नाउ चेक योर प्रोग्रेस 6 आपको दे रखी है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको जो पार्ट्स दे रखे हैं उनको, वो इनकम्प्लीट फ्रेजेज हैं या वर्ड्स हैं, इसको आपको सेंटेंस को कंप्लीट करके लिखना है। जैसे फर्स्ट कहता है वी शुड मॉडिफाई आवर स्पीच इन द क्लासरूम बिकॉज इफ लर्नर्स डू नॉट अंडरस्टैंड। जो हमारी स्पीच होती है उसे हमें क्लासरूम में मॉडिफाई करना चाहिए, अगर क्योंकि ऐसा नहीं करने पर जो लर्नर्स होते हैं वो क्या चीज़ नहीं समझते, इनपुट दे रिसीव, इट इज अनलाइकली दैट दे विल प्रोग्रेस। अब जो चीज उनको बोली गई अब उन्हें समझ ही नहीं आएगी तो फायदा क्या उस चीज को सुनने का या समझाने का, आपका टाइम भी वेस्ट हो गया, एनर्जी भी वेस्ट हो गई और सामने वाले को वो चीज भी समझ में नहीं आई। तो ये एक वजह होती है जिससे कि जो स्पीच है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है टू इंश्योर दैट आर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वॉट वी से इन क्लास वी नीड टू, जो हम चीज़ कह रहे हैं क्या वो स्टूडेंट भी समझ रहा है, उसके लिए हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, मैच आर वोकैबुलरी विद देयर प्रोफिशिएंसी लेवल। जो हमारी एक तो हमारे यहाँ के बच्चे हर वक्त इतना इतना शोर करते हैं ना, ये अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू इंश्योर दैट आर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी से इन क्लास वी नीड टू मैच आवर वोकैबुलरी विद देयर प्रोफिशिएंसी लेवल, यूज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स दैट आर नॉट टू डिफिकल्ट फॉर देम टू कॉम्प्रीहेंड, अवॉइड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, यूज ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, रिड्यूस आवर स्पीड ऑफ डिलीवरी। ये जो पॉइंट है ना, ये सेकेंड वाला पॉइंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टीचर्स होते हैं उन्हें किस किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, सबसे पहले तो जो उनकी वोकैबुलरी है अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियसली आपके टीचर्स की वोकैबुलरी आपके कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप मिलेगी, तो उस टाइम पे उन्हें ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए जो कि लर्नर्स को समझ में आए, जो उनके स्टूडेंट्स को समझ में आए। सेकंड थिंग इज जो उनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लर्नर्स को स्टूडेंट्स को समझ में ही ना आए कि आपका जो टीचर है वो आपको क्या कहना चाहते हैं। इसके अलावा जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं या फ्रेजेस होते हैं उनको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, उनको जितना हो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब बात करते हैं लैंग्वेज की स्पेशली इंग्लिश की तो उसमें बहुत सारे ऐसे इडियम्स फ्रेजेस होते हैं जो इंग्लिश में हमें समझ में नहीं आते। इसके अलावा मैक्स टू मैक्स जो है फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है उससे बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं। नाउ लास्ट इसमें पॉइंट दे रखा है कि जो भी चीज़ जो एग्जामिनर है या जो भी आपके टीचर्स हैं वो आपको कोई चीज़ समझाते हैं तो उनकी जो स्पीड है वो काफ़ी रिड्यूस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत स्पीड में वो कोई चीज़ बोल जाए और किसी लर्नर को वो चीज़ समझ में ना आए। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड कहता है रीफॉर्मुलेशन इज़, रीफॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है, जो रीफ्रेज करना चाहिए जो लर्नर्स ने समझा या सीखा तो स्टूडेंट से दोबारा से उस चीज़ को रिपीट करवा लिया जाए तो उसे हम रीफॉर्मुलेशन कहते हैं। इसके बाद में लास्ट पॉइंट इसमें आता है डी क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट, क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट आस्किंग स्टूडेंट्स फॉर क्लैरिफिकेशन। अब यहाँ पे गाइज आपके पास में ये चेक योर प्रोग्रेस 6 में आपके पास में 4 पार्ट्स हैं जो कि मैंने करवा दिए हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर स्पीच आर जनरली मॉडिफाइड, जो टीचर के कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं या किस एस्पेक्ट के साथ जो टीचर्स होते हैं वो अपनी स्पीच को मॉडिफाई कर सकते हैं। आंसर मिलेगा पेज नंबर 16 पर आपको। क्या लिखा है मैंने, ये 16 कैसे है, वेट अ मिनट, मैंने ना इसमें देखिए 116 है ये सॉरी हाँ 116 है ये, आपको इस पे पेज नंबर 116 पे इसका आंसर मिलेगा। ये रे कुछ एस्पेक्ट्स जिस पे जो टीचर्स को वर्क करने चाहिए या इस तरीके से अपनी जो स्पीच है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास में, इसमें आपको सेंटेंस दे रखा है और फिर आपको बताना है वो किस टाइप से सेंटेंस था। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वीडियो को पॉज करना और उसके बाद में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। नाउ इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है निगोशिएटेड इंटरेक्शन। The above strategies
need to be incorporated in classroom discourse in balanced manner to show that we facilitate learning. Matching and of these strategies with our pedagogic goals will give us a desired effect. जैसे कि जो आपको strategies आपने ऊपर पढ़ी like speed को थोड़ा reduce कर दिया जाए, idiomatic phrases को कम से कम use किया जाए, या फिर जो complicated difficult words होते हैं उनका use थोड़ा कम किया जाए, तो अगर हम इन strategies को, इन way of teaching को अगर हम अपनी pedagogic goal में, जो आपका study से related goal है, आप किसी चीज़ को समझाना चाहते हैं उससे, अगर हम इससे match करते हैं तो हमें एक desired effect मिलेगा, एक desired result मिलेगा. When we use multiple and appropriate strategies to manage our classroom interaction, we succeed in proper प्रोमोटिंग नेगोशिएटेड इंटरेक्शन. अब देखिए, जब आप मल्टीपल वैरायटी की स्ट्रेटजीज और अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं अपनी क्लासरूम में इंटरेक्शन को मैनेज करने के लिए, तो आपको एक प्रॉपर रिजल्ट मिलता है और जो इंटरेक्शन होता है वो भी स्टूडेंट्स में काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा. इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी उससे ज़्यादातर चीज़ें समझ में आती है. नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होता है टीचर के लेक्चर इतने बोरिंग लगते हैं कि नींद आने लग जाती है. इवन मेरी वीडियोज़ पर भी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मेरी वॉइस की वजह से उन्हें नींद आती है. तो देखिए, वॉइस तो मैं चेंज नहीं कर सकती, बट हाँ इतना आप कर सकते हैं कि आप इसकी स्पीड बढ़ा के सुन लीजिए ताकि थोड़ा आपको कम टॉर्चर लगे. इसके बाद में नेक्स्ट गाइस आता है, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द फर्स्ट लर्नर कॉन्ट्रीब्यूशन वी नीड टू पुश द लर्नर्स टू इंटरेक्ट एडिक्वेटली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड निगोशिएटेड इंटरेक्शन. वी नाउ टर्न टू इशूज ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड टॉपिक मैनेजमेंट. तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि रैंडमली कोई टॉपिक या कंसेप्ट या जैसे कि होता है ना पैराग्राफ टाइप में दे दिया जाए जिसके ऊपर स्टूडेंट्स बोलें, आपस में इंटरेक्ट करें, टाइप ऑफ डिबेट हो जाए. तो इन चीज़ों से आप इसको इंटरेक्शन को निगोशिएट कर सकते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं. इसके बाद में दो आपके पास में मेन हेडिंग्स आते हैं, एक है टॉक मैनेजमेंट एंड सेकेंड वन इज टॉपिक मैनेजमेंट. टॉक मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि किसी से बातचीत करना. तो अब जब आप बातचीत करते हैं तो उसमें वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एंड जो टॉपिक मैनेजमेंट है इसका मतलब है कि यहाँ पर आप किस तरीके के टॉपिक को चूज कर रहे हैं डिबेट के लिए या बात करने के लिए. सो वन बाय वन एक एक चीज समझाती हूँ. पहले मैं आपको टॉक मैनेजमेंट बताती हूँ, उसके बाद में हम टॉपिक मैनेजमेंट करेंगे. नाउ हेडिंग है आपके पास में टॉक मैनेजमेंट. हेडिंग है आपके पास में टॉक मैनेजमेंट. इसमें क्या होता है, जो क्लासरूम में टीचर्स और लर्नर आपस में बातचीत करते हैं उसमें किस तरीके के, मतलब कि जो कॉन्वर्सेशन होता है क्लासरूम कॉन्वर्सेशन, उसको किस तरीके से अच्छा और इफ़ेक्टिव बनाया जाता है, इसमें इन टॉपिक्स के बारे में आपको बता रखा है. इन अदर वर्ड्स द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड एंड द काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सेज डिटरमाइन हाउ इट इज़ कंट्रोल्ड. अब ये जो टॉक मैनेजमेंट होता है या क्लासरूम का कॉन्वर्सेशन होता है, ये इस चीज़ के भी ऊपर डिपेंड करता है कि जो टीचर हैं आपके, उन्होंने किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे और किस टाइप का जो रिस्पॉन्स है वो उनको मिला. अगर क्वेश्चंस और रिस्पांस दोनों ही मैच करते हैं, मींस कि उतने ही इफेक्टिव वे में क्वेश्चंस पूछे गए, उतने ही इफेक्टिव और एक्टिव वे में आंसर दिया गया, तो उससे जो टॉक मैनेजमेंट होता है वो काफी अच्छा होता है और उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है. नाउ IRF सीक्वेंस जो है मैंने पहले की वीडियोज़ में आपको समझाया था, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं. आई मीन्स कि जो टीचर्स का इनिटेशंस होता है वो, R फॉर जो लर्नर का रिस्पॉन्स होता है और F फॉर फॉलोअप होता है. ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट समझाया था. इसको डिस्टर्ब करने की बात चल रही है, क्यों? क्योंकि ये जो IRF टेक्निक है ना या सीक्वेंस है, इसके बेसिस पे एक बहुत ही ना लिमिटेड वे में ही स्टूडेंट्स या जो लर्नर्स होते हैं वो रिस्पॉन्स दे पाते हैं. इंटरेक्ट वो काफ़ी फ्रीली और जेन्युइन तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिससे उनको अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स को या थॉट्स को एक्सप्रेस करने का ज़्यादा चांस नहीं मिलता. निगोशिएटेड इंटरेक्शन हेल्प्स टीचर टू ब्रेक द IRF पैटर्न. जो निगोशिएटेड इंटरेक्शन है, मींस कि क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे तरीके से पूछे गए, स्टूडेंट्स का रिस्पांस भी उतने अच्छे तरीके से मिल रहा है, तो वो टीचर्स को ये जो IRF पैटर्न है, ये जो सीक्वेंस है, इसको ब्रेक करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है. यहाँ पे एग्जांपल है, द टीचर्स क्वेश्चंस मे ट्राई टू इलेक्ट लर्नर्स रिस्पांस व्हिच आर बेस्ड ऑन देयर ओन ओपिनियंस एंड इंटरप्रिटेशंस एंड नॉट फैक्ट्स डायरेक्टली टेकन फ्रॉम टेक्स्ट बुक. अब नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है कि जो आपके टीचर्स होते हैं ना, वो आपसे एग्जैक्ट बुक की लैंग्वेज में रिस्पॉन्स नहीं मांगते या एकदम बुक की लैंग्वेज में आपसे आंसर्स की डिमांड नहीं करते. उनका ये होता है कि जो भी आपने थॉट्स पढ़े हैं या जो भी कंसेप्ट आपने समझाया, आप उनको अपने वर्ड्स में समझाइए. देखिए, चाहे साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, उसमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो उनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उनको तो आपको यूज़ करना ही करना पड़ता है. लेकिन जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो वो कहीं मैंडेटरी नहीं है कि आप उसी वे में या उनके ही तरीके से एक्सप्लेन करें. तो इस चीज़ में आप अपने थोड़े बहुत पार्ट्स या अपनी चीज़ों को इंक्लूड उसमें कर सकते हैं.
ये चीज़ आपको इसमें बता रखी है टॉप मैनेजमेंट में। इसके बाद में नेक्स्ट आता है टॉपिक मैनेजमेंट। इससे पहले इसमें एक वर्ड है टॉपिकलाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आपको चेक योर प्रोग्रेस पे क्वेश्चन भी दे रखा है। सो टॉपिकलाइजेशन क्या होता है, इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच लर्नर्स टेक अप समथिंग द टीचर और अनदर लर्नर सेज टू मेक इट इन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जैसे सपोज हम लोग जब अंताक्षरी खेलते हैं ना, कुछ ऐसा ही ये होता है टॉपिकलाइजेशन। क्या होता है, आपको एक वर्ड या अल्फाबेट या पोयम कुछ ऐसा होता है, उसके बाद में कंटिन्यू करना पड़ता है, एक चेन बना के क्रिएट कर दी जाती है और उस चेन को आपको आगे कंटिन्यू करना पड़ता है। सेम चीज इसमें है, सपोज टीचर ने कोई टॉपिक दिया, उस टॉपिक से फिर एक और नया टॉपिक निकला और इस तरीके से जो कॉन्वर्सेशन है वो बढ़ता चला गया। इस चीज को कहते हैं टॉपिकलाइजेशन। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं अगर बच्चे इस तरीके से जो टॉपिक है या लैंग्वेज है उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। तो देखिए, लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इनपुट कैन बी टेलर टू द लर्नर्स ओन लेवल। इट कैन ऑल्सो क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज for negotiating meanings when a communicative problems occur. It can also facilitate the production of more complex and extensive output of the part of the learner. अब देखिए, कोई एक टॉपिक है आपके पास में, ऑब्वियसली जब उसको आप एक्सपेंड करके पढ़ते हैं उसके बारे में और नए थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे तो उससे इंटरेक्शन बढ़ेगा, प्लस आपको नए नए आइडियाज पता चलते हैं। आपके क्लासरूम में एक डिस्कशन हुआ है, 25 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसके अंदर एक डिस्कशन हुआ है, तो आप ये सोचिए वहाँ पे 25 स्टूडेंट्स अगर उस डिबेट में या उस कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर दे तो आपको इतने सारे नए थॉट्स आइडियाज मिलेंगे, प्लस वोकैबुलरी बढ़ेगी और जो आपका इंटरेक्शन है आपके अंदर जो एक तरीके की हेजिटेशन थी वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद में रिसर्च हैज शोन दैट लर्नर्स बेनिफिट फॉर मोर फ्रॉम सेल्फ एंड पीयर नॉमिनेटेड टॉपिक्स देन फ्रॉम टीचर्स नॉमिनेटेड टॉपिक्स एज दे आर मोर लाइकली टू क्रिएट एंड सस्टेन मोटिवेशन अमंग द लर्नर्स एंड गिव देम अ सेंस ऑफ फ्रीडम एंड अचीवमेंट्स इन टेकिंग सम कंट्रोल ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स। अब देखिए, इसको ना मैं थोड़ा फनी वे में समझाती हूँ। कई बार क्या होता है, सपोज आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी, किसी टीचर का ना लेक्चर चल रहा है, तो कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी व्यूअर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो कमेंट सेक्शन होता है ना उसी में बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लग जाते हैं। वो टीचर जो पढ़ा रहे हैं ना उसका उन पर ध्यान भी नहीं जाता, तो वो उसमें क्या होता है आपस में रिलेट कर करके चीज़ों को इतना खींचते जाते हैं, इतना एक्सटेंड करते जाते हैं कि उसी में उनको एंटरटेनमेंट आने लग जाता है, उसी में उनको इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो यही चीज़ आपको बता रखिए, जो टीचर डोमिनेटेड टॉपिक्स होते हैं ना उनमें कम लेवल पे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, जो कि बाकी आपस में जो एक दूसरे से वो टॉपिक्स को पिक करते हैं उनमें स्टूडेंट्स का ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। अगर क्लास में डिबेट चल रही है, अगर सेम एज ग्रुप में पीयर स्टूडेंट्स में, पीयर का मतलब होता है जो आपके साइड, जो चीज़ आप हैं या जो आप क्लास से बिलोंग करते हैं, जो भी आप स्टडीज़ करते हैं उसके आसपास से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं, तो उस चीज़ को पीयर ग्रुप कहते हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट सिमिलर जो चीज़ें होती हैं, तो उसमें लोगों का या जो लर्नर्स होते हैं उनका ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग जाता है। This is not only result in increased opportunity for practice but also enables learning. अब जब ऐसे इस तरीके से जब आप इंटरेक्ट करेंगे इंटरेस्ट के साथ में, तो इससे सिर्फ इतना नहीं है कि जो आपका रिजल्ट है वो इंक्रीज होगा, इसके अलावा आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और लर्निंग को आप काफी ईजी बना पाते हैं। यही चीज़ें आपको बता रखी हैं और इसमें जो टीचर्स होते हैं उनका काफ़ी क्रूशियल रोल होता है। नाउ चेक योर प्रोग्रेस 7 आपको दे रखा है गाइस। इसमें क्वेश्चन 1 दे रखा है, हाउ कैन वी एनकरेज नेगोशिएटेड इंटरेक्शन इन आर क्लासरूम्स एंड देयर बाय ब्रेक द IRF स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 121 पे। देखिए, ये रहा आपके पास में क्वेश्चन और यहाँ से आप इस आंसर को पिक कर सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ कैन वी गिव ग्रेटर पार्टिसिपेशन राइट टू आर लर्नर्स। जो लर्नर्स होते हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, आंसर मिलेगा पेज नंबर 130 पे। एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको, देखिए ये रहा यहाँ पे, वी कैन ग्रांट मोर पार्टिसिपेशन राइट टू आर लर्नर्स बाय एनकरेजिंग टॉपिकलाइजेशन। आप इनकरेज करके टॉपिकलाइजेशन मीन्स कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कस करना, जिससे उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। उसके अलावा व्हेन द लर्नर्स टेक कंट्रोल ऑफ द डिस्कशन दे गेन मोर इंटरेक्शन स्पेस एंड दिस एनहेंस लर्नर ऐप पार्टिसिपेशन अलॉन्ग विद द एप्रोप्रिएट एलिटिस स्ट्रेटेजीज वी ऑल्सो नीड टू अलाउ लर्नर्स टू टेक कंट्रोल ओवर द इंटरेक्शन। बेसिकली जो टॉपिकलाइजेशन है ना, इस कंसेप्ट की हेल्प से आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इंटरेक्शन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज टॉपिकलाइजेशन, वॉट आर इट्स एडवांटेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना और इस क्वेश्चन को डेफिनेटली करना। एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स आपसे पूछे गए हैं, टॉपिकलाइजेशन क्या होता है और क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं। पेज नंबर 121 पे इसका आंसर आपको मिलेगा, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन मार्क
करी है और ये आपको एडवांटेजेस दे रखे हैं जिसमें तीन ही हैं। वैसे तो आंसर यहाँ से यहाँ तक ही खत्म हो रहा है, लेकिन थोड़े बहुत पॉइंट्स और आप ऐड कर देना, क्योंकि जो इग्नू के आंसर्स होते हैं वो थोड़े से लेंथी आंसर्स आते हैं आपके पास में। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन पता है लेकिन आपके पास में इफेक्टिव और सफिशियंट कंटेंट नहीं था लिखने के लिए। नाउ इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास में 2.6 क्लासरूम इंटरेक्शनल कॉम्पिटेंस, इसे CIC से डिनोट करते हैं। ये जो है CIC, मैं बार बार इसको CIC ही बोलूँगी, तो आप बार बार इसकी फुल फॉर्म मत पूछना मुझसे, और आप एक बार में ही देख लीजिए। क्लासरूम इंटरेक्शनल कॉम्पिटेंस होता है, जैसे कि जो क्लासरूम है ना उसमें कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। जब कंपटीशन होता है इंटरेक्शन के लिए, बच्चे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बातचीत करने का मतलब ये नहीं कि टीचर समझा रहा है और उसके बाद में शोर किया जा रहा है, बातचीत करने का मतलब है कि आपको कोई टॉपिक या कंसेप्ट समझाया गया, टीचर के बाद में एब्सेंस में या उनकी प्रेजेंस में आपने उस टॉपिक को और ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस किया, उससे रिलेटेड जितने पॉइंट्स आप निकाल सकते थे वो चीज़ें आपने निकाल के उनको क्लियर करने का किया। तो यहाँ पे जो टीचर्स और लर्नर्स होते हैं उन दोनों की ही जो एबिलिटी होती है इंटरेक्शन की वो इंक्रीज हो जाती है, और वो अपने इंटरेक्शन के लिए काफ़ी अलग अलग टूल्स का यूज़ करते हैं। तो टूल्स का मतलब यहाँ बिल्कुल भी वेपन से नहीं है, टूल्स का मतलब हो गया जो टेक्निक्स होती हैं, किसी को किसी तरीके से समझ में आता है, कुछ के लिए कुछ टेक्निक्स काफ़ी ईजी हो जाती हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पर समझा रखी है। वैन वी इंटरेक्ट इन क्लास रूम वी ऑफन फोकस ऑन लर्नर्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस करेक्ट अटरेंस रादर देन द निगोशिएट मीनिंग्स और क्लैरिफाई पॉइंट्स और व्यूज और आइडियाज। सॉरी, देखिए जब क्लासरूम में इंटरेक्शन होता है ना तो उस टाइम पे टीचर का फोकस क्या होता है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स को भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनको स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। सपोज़ एक सीनियर क्लास का टीचर है, 11th और 12th क्लास जो सीनियर क्लासेस होती हैं उनको एक टीचर पढ़ा रहा है, और उस टीचर को बोल दिया जाए कि उन्हें जूनियर क्लास को पढ़ाना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फिर जूनियर क्लास में, वैसे तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत दिक्कत आती है क्योंकि टीचर का एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है, एक फ़्लो बन जाता है कि जहाँ पे वो रेगुलर बेसिस पे पढ़ाते हैं उसी तरीके से उनकी हैबिट कंटिन्यू रहती है, लेकिन फिर भी टीचर को एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है कि जो जूनियर क्लास है उन बच्चों को वो चीज़ें, वो वोकैबुलरी, वो वर्ड्स, वो सब चीज़ें समझ में आए। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपको समझा रखी हैं। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, CIC अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू डिस्कोर्स, टू डिस्प्ले एंड ओरिएंट टू लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन एंड आर को कंस्ट्रक्टेड एंड डिमॉन्स्ट्रेट एबिलिटीज टू जॉइंटली क्रिएट डिस्कोर्स एंड इट इज कंडक्टिव टू लर्निंग। देखिए यहाँ पे पूरे पोर्शन में आपको ये जो लर्निंग का है इसमें आपको यही चीज़ समझा रखी है कि टीचर्स को किस तरीके से जो लर्नर्स होते हैं उनको जज करना चाहिए, किस तरीके से वो उनके अकॉर्डिंग वर्ड्स को, वोकैबुलरी को, ग्रामेटिकल सेंटेंस को यूज़ करें। और जो मैंने आपको पहले बताया था वो पॉइंट्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इडियोमेटिक फ्रेजेस होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम यूज़ करेंगे तो जो क्लासरूम इंटरेक्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बन सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आती है डेवलपिंग ऑफ CIC। अब ये जो क्लासरूम इंटरेक्शन कॉम्पिटेंस है इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, ऑब्वियसली इसमें एक टीचर काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। अब क्या है कि टीचर ने कोई कंसेप्ट आपको समझाया, टॉपिक आपको समझाया, तो उसमें ये किया जा सकता है कि टीचर ने एक छोटा सा टेस्ट रख दिया जिससे आप सब लोगों ने इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, तो वो छोटे छोटे टेस्ट या फिर जो कंसेप्ट है, टॉपिक है, उससे रिलेटेड अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग ली जाए तो उससे ये होता है कि आपको रहता है कि हाँ अभी आपसे ये चीज़ पूछी जाएगी तो आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा लोगों की स्ट्रेंथ होती है क्लास में तो उसमें बेइज्जती होने का ना फिर एक अलग ही थोड़ा सा पेन हो जाता है, तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं कि उसमें इंटरेक्ट करने का काफ़ी ज़्यादा वो ट्राई करते हैं। नेक्स्ट जो टीचर है उन्हें लैंग्वेज गोल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो हर एक लर्नर के लिए काफ़ी फेमिलियर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग आप वोकैबुलरी यूज़ करें जो लर्नर्स को समझ में ही नहीं आ रही है, तो लर्नर्स के अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट आप समझा रहे हैं उसमें जो वर्ड्स का जैसे यूज़ है उस अकॉर्डिंग आप उनको जितना इजी वे में समझा सकते हैं तो वो बच्चों के लिए काफ़ी डेवलपमेंट होता है उस चीज़ में। सेकेंड पॉइंट इसमें बता रखा है जो इंटरेक्शनल स्पेस है उसको बढ़ा देना चाहिए। बढ़ा देने का मतलब ये है कि जहाँ पर स्टार्टिंग दो बच्चों से इंटरेक्शन हुई थी वहाँ पर आप पूरी क्लास के ग्रुप बना सकते हैं, 4-5 ग्रुप्स बना सकते हैं जिसमें बच्चे डिबेट कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। उसके अलावा जो इसका टाइम पीरियड होता है वो भी थोड़ा दिया जाए। सपोज आपके टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा उसके लिए आपको 1 सेकंड का टाइम दिया गया, 2 सेकंड्स का टाइम दिया गया, तो वो जो टाइम पीरियड है उसको कुछ और ज्यादा देर के लिए 10-15 सेकंड्स के लिए इंक्रीज कर दिया गया या कुछ मिनट्स के लिए बढ़ा दिया गया, तो उतने टाइम में एक स्टूडेंट को आंसर को फ्रेज करने का प्लस पॉइंट्स को एड ऑन करने का चांस मिल जाता है।
नाउ नेक्स्ट आता है इंटरैक्शनल कॉम्पिटेंट टीचर इज एबल टू शेप लर्नर्स कॉन्ट्रीब्यूशन स्कैफोल्डिंग पैराग्राफी रिपीटिंग एंड सो ऑन। और जो टीचर्स हैं वो मतलब कि नए लर्नर स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं, रीफ्रेज कर सकते हैं, वर्ड्स को रिपीट कर दिया, कोई पैराग्राफ है, कोई पॉइंट है वो समझ में नहीं आया तो उस चीज़ को रिपीट कर दिया जिससे स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना आए। तो यही सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इसके बाद में गाइज नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है आपका चेक योर प्रोग्रेस 8 फाइनली एक्सरसाइज। इवन ये यूनिट मैं बोलूँगी ये यूनिट सेकेंड यूनिट खत्म हो गई है क्योंकि काफ़ी लेंदी थी ये, बहुत मेहनत लगी इसको कंप्लीट करवाने के, लेकिन फाइनली हम इसके चेक योर प्रोग्रेस 8 पे हैं जो कि इसका लास्ट चेक योर प्रोग्रेस है। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज क्लासरूम इंटरैक्शनल कॉम्पिटेंस CIC क्या होता है। पेज नंबर 122 पे आपको ये क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, आप ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ के मत जाइएगा एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू वी डेवलप आर CIC इन ऑर्डर टू एनहेंस आर क्लासरूम डिस्कोर्स एंड हेंस लर्निंग। जो CIC है इसको कैसे और ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है, तो ये रहा इसका आंसर, डेवलपिंग ऑफ CIC यहाँ पे आपको दे रखा है। इन दोनों ही आंसर्स को मर्ज करके लिखना ताकि आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिले। थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है गाइस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन जो चेक योर प्रोग्रेस 8 है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, जैसे आपने ना एक फीचर है इंटरेक्शनल फीचर है जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर पाते हैं कि टीचर और लर्नर आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपको इस वाली लेन में ना JKII तक जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं ना यहाँ पे देखिए ये सारे फीचर्स दे रखे हैं कि इन इन फीचर से एक जो टीचर है ना वो इंटरेक्ट कर सकता है जो लर्नर के साथ में। अब यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, जो ये फीचर है स्कैफोल्डिंग इससे क्या क्या आप चीज़ों को नई सीखने को मिलेंगे। तो देखिए रिफॉर्मुलेशन हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है, मॉडलिंग हो सकता है। स्कैफोल्डिंग का बेसिकली मतलब यही हो गया ना कि जो आपके टीचर्स हैं वो आपको हेल्प करें नई स्किल्स को डेवलप करने में, कोई चीज़ को सीखने में। तो ऐसे ही आपको हर एक फीचर के ना कुछ डिस्क्रिप्शन देने हैं कि वो फीचर अगर आप लेते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। पेज नंबर 131 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। देखिए ये रही पूरी टेबल और ये चार्ट आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट आपको बता दिया, सेकंड क्या दे रखा है, डायरेक्ट रिपेयर दे रखा है। तो इसमें क्या होता है, एरर को करेक्ट कर दिया जाता है बहुत ही क्विकली और डायरेक्टली, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ऐसे आपको ना ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको आपको पढ़ना है और समझना है। स्टिल अगर इस पॉइंट्स में आपको डाउट रहता है तो इसको कुछ देर के लिए छोड़ के बाकी की पॉइंट्स को कंप्लीट कर लेना और लास्ट में इस टॉपिक को देखिएगा। नाउ गाइस आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है, इसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगी यूनिट 3 यूजिंग द क्रॉस करिकुलर अप्रोचेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू so much.